नमस्कार दोस्तों, एक और स्टेबल डिज़ाइन राजस्थान के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो ये बहुत ही सूटेबल है। छाया है घोड़े के लिए और घोड़ा बाहर भी देख सकता है। यहाँ से कोशिश करता हूँ अंदर से दिखाने की भी। अच्छी सॉफ्ट रेत डाली गई है। ये पानी के लिए ये स्टेबल अभी यूज़ नहीं हो रहा इस समय, इसीलिए ये साफ़ नहीं है। ये खाने के लिए है, ये काफ़ी हाइट पे है। कुछ लोग कहते हैं कि घोड़ों के लिए हाइट वाला ये खाने के लिए ठान नहीं बनाना चाहिए, मगर घोड़े वालों की मजबूरी ये है इतनी ऊंचा हाइट ठान बनाने की, क्योंकि बहुत से घोड़े या तो एक्साइटनेस में ठान में पैर रख लेते हैं या पैरों से मिट्टी कैसे करके ठान में डाल देते हैं। तो दाना जहां आप डालते हो वो एक कीमती चीज़ है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि वो आपका जो फीडर या ठान है वो ऊंचा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है, ग्रेजिंग ग्राउंड भले छोटा है मगर छोटे बच्चों के घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मुझे लगी। आप देख सकते हो छोटे बच्चे मज़े से ग्रेजिंग कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे घोड़े इनके दिखाने की। ये फार्म है परिहार स्टड, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे सुधीर जी परिहार, मगर कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी और मैं काफ़ी समय बाद इस फार्म पे आया हूँ। अभी उनके सन हैं और भाई हैं, वो लोग इनको मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन किया है स्टड फार्म को। इनके पास गाय की डेयरी भी है और स्टड फार्म भी है। वो सामने जो हैं वो भी स्टेबल्स हैं, वो शायद पहले वहाँ पे स्टैलियंस रहते थे। इसका साइज़ होगा अराउंड एक स्टेबल का 30x30।